मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? पता नहीं क्यों आज मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे से नहीं। काश मैं किशन की तरह शायर होता तो तुम्हारी सादगी और तुम्हारी खूबसूरती पर एक शेर है पूरी गजल। लेकिन क्या करूं, दिल के जज्बात लफ्जों में बयान करना जरा मुश्किल है। लेकिन हाँ, तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट तो जरूर दे सकते, तुम्हारा मंगेतर होने का, अगर तुम ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरी रजामंदी की जरूरत है। बिल्कुल है, शर्म से सराबोर तुम्हारे रुखसार को। हाँ, अगर मेरी बात समझ में ना आई हो तो इन सिंपल वर्ड कैन आई से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं यार क्या हुआ है मुझे, लगता है शायद तुम्हारे प्यार का असर है। रवि, ये सब शादी के पहले, इट्स नॉट फेयर। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। कुछ और बात कीजिए ना। नहीं भाई, अब कोई और बात तो तुम ही कर सकते। रवि, मैं तो भूल गई तुम्हें बताना, मेरे कॉलेज के जो दोस्त है ना, अनिल और रजनी, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है रितेश की बर्थडे पार्टी के लिए। अच्छा, ठीक है, तुम किशन और रूपाली के साथ पहुंचो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी यार। लेकिन पहुंच जरूर जाना, नहीं तो हमेशा की तरह काम का बहाना या कुछ और एक्सक्यूज करके पहुंच जाऊंगा यार, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। आदेश किधर है? भाई उसे बहुत ढूंढा लेकिन न जाने कहां छुप गया वो। गेम खेल रहा है मेरे साथ, सब समझता हूं उसकी चाल, पता लगाता हूं उसके सब अड्डे, थोड़ा सांस बाकी है मजा लूटने में, चलता हूं मैं, बहुत जरूरी काम है। हेलो राजा। हेलो पानी। हेलो किशन जी। हेलो रितेश, इधर इधर। भैया आपको तो इस पार्टी के लिए बुलाया नहीं गया था, तो फिर आप? मुझे पता था आप यही पूछेंगे कि मैं गेट क्रैशर हूं, बिन बुलाए मेहमान हूं, तो अपनों को बुलाया नहीं जाता, अपनों को इनविटेशन देकर बुलाया नहीं जाता। आप क्यों पीछे पड़े हैं हमारे, क्यों कबाब में हड्डी बनना चाहते हैं? आपको एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि ये पार्टी मेरे और रूपाली के लिए रखी गई है, ताकि मैं और वो एक दूसरे के पास आ सकें और अपने दिल की बात कर सकें। और एक बात पूछूं आपसे, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सच सच जवाब दीजिएगा, अगर आपके और रूपाली के बीच में कुछ भी है ना तो मुझे कह दीजिएगा, मैं खुशी खुशी आपके रास्ते से हट जाऊंगा। भैया मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे और रूपाली के बीच में कुछ नहीं, और ये आप रूपाली में कब से दिलचस्पी लेने लग गए? आपको लड़कियों की कमी है क्या? भैया मैं पहले जैसा रितेश नहीं रहा, नो फ्लर्टिंग, नो रोमांस, नो छेड़छाड़। भैया मैं रूपाली से दिलो जान से प्यार करता हूं। सच कह रहा तू? हाँ भैया, अपने जान की कसम सच कह रहा हूं मैं, और एक आप ही हैं भैया जो राधा को कहकर मेरी नाव किनारे पे लगा सकते हैं। भैया ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं भैया, वादा करना पड़ेगा। अच्छा बाबा, वादा ही सही। एक्सक्यूज मी, हाय, एक मिनट जरा अकेले मैं बात कर सकता हूँ? हाँ, एक्चुअली रितेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे मिलने आया था, तुम यहाँ मिलोगी इसकी उम्मीद ही नहीं थी मुझे। बाबूजी कैसे हैं?
बस ठीक ही है। दादा मैं चाहता हूँ कि उनकी बाकी की जो थोड़ी बहुत बची खुची जिंदगी बाकी है वो किसी तरह हंसी खुशी कट जाए, उन्हें किसी किस्म का दुख ना, वो हमेशा खुश हो। और दादा इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे। मैं रितेश से मिलने आया था तो मिल लिया, दरअसल मुझे घर जल्दी पहुंचना है, डॉक्टर विजिट पे आने वाले हैं, मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। आई सी यू लेटर। राधा रितेश को जानती हो? हाँ अच्छे से, लेकिन तुम क्यों पूछ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रितेश अब वो रितेश नहीं रहा, द फ्लर्ट रितेश। मतलब ये कि अब वो अपनी जिंदगी को बड़ी संजीदगी से लेने लगे, इस वेरी सीरियस। वो इस बात से जाहिर होता है कि वो बड़ी सीरियसली मुझसे कह रहा था कि वो रूपाली से प्यार करने लगे। हाँ और प्यार भी कैसा, पागल करने की हद तक उससे शादी करना चाहता है। लेकिन किशन रूपाली तो तुमसे, मुझे नहीं पता राधा मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी, और मुझे इससे कुछ कारोबार भी नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि वो उससे प्यार करता है और उसे बहुत पसंद करता है। क्या तुम रूपाली को पसंद है? पसंद करता हूँ राधा, लेकिन प्यार नहीं करता। किशन पसंद और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है, आदमी जिसे पसंद करता है उसे एक दिन प्यार भी। देखो राधा मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे इतना पता है कि रितेश रूपाली को प्यार करता है, रूपाली का सवाल है उससे पूछ के देखो। लेकिन किशन पूछने में क्या है जरा राधा, प्लीज पूछ के तो देखो। रितेश कुछ देर के लिए क्या तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हो? ओह माय गॉड श्योर, और वैसे भी इसमें तो मेरा ही फायदा है, समझदार कोई इशारा काफी होता है। रूपाली उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों तक पहुंची है कि छुपे छुपे इश्क फरमाया जा रहा है। इश्क वो भी छुपे छुपे? हाउ इज इट पॉसिबल भाभी जी? रितेश कैसे लगता है तुम्हें? रितेश रितेश टाइम काटने के लिए तो बहुत अच्छा है, किशन जी को जलाने के लिए तो और भी अच्छा है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मैं सोच रही थी कि तुम और रितेश। भाभी जी आप जानती हैं कि मैं सिर्फ किशन जी को चाहती हूँ, वो अपना प्यार इजहार करें या ना करें, लेकिन मैं उन्हें अपना बनाकर ही रहूँगी। किशन भैया आपने राधा के जरिए बात तो चलवा दी है, अब ये बात कुछ आगे बढ़े तो बात है। पेशेंस। किशन भैया राधा इसी तरफ आ रही है, इससे पहले कि वो मुझे आकर एक्सक्यूज मी कहे मैं खुद ही निकल जाता हूं। किशन तुमने कहा इसलिए मैंने पूछ लिया, लेकिन रूपाली तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचे ये भूल से भी मत सोचना, जाना तो बहुत दूर की बात है। भैया ये क्या बात है, आप इतनी सीरियस हो? ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब कुछ भैया भैया बात बदलने की कोशिश मत करिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके दिल में अगर रूपाली के लिए थोड़ी सी जगह है तो मुझको कहिए। अरे नहीं नहीं रितेश वो बात नहीं है, वो बात नहीं रितेश, मेरा मतलब ऐसी बातों में थोड़ा वक्त लगता है रितेश, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। मुझे ओके नो प्रॉब्लम, वक्त ही लगेगा ना, मैं इंतजार कर लूंगा। भैया भैया इस फ्रूट को फ्रूटफुल आप ही ने बनाना है भैया, आपने वादा किया है हा? और आपको वादा पूरा भी करना पड़ेगा।
वाह, क्या बात है! इस रिपोर्ट ने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। मल्होत्रा, ये तो चमत्कार हो गया। ऐसी क्या खास बात होगी डॉक्टर? खास बात भाई, तुम्हारी सेहत पहले से बहुत अच्छी होगी, और वो भी इस रफ्तार से कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। किसे बहला रहे हो डॉक्टर? उसे जो जानता है कि बीए का दिल खत्म हो रहा है। कम ऑन मल्होत्रा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सचमुच रिकवर कर रहे हो, और दवाओं का ऐसा जादू भरा असर मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। देख रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है डॉक्टर, तो ये दवाओं का असर नहीं है, ये मेरी बहू की दुआओं का असर है। बिलीव मी, जब इंसान को मनचाही खुशियां मिल जाती हैं, उसकी तमन्नाएं पूरी होती हुई नजर आती है ना, तो बीमार भी बगैर दवाओं के अच्छा हो जाता है। मरने वाला जी उठता है, मौत की कलाई मरोड़कर जीने का साहस जुटा लेता है। देखता हूं, मेरी बहू मेरे लिए संजीवनी साबित होगी, वो मुझे मौत के मुंह से खींच कर ले आएगी। रियली? और नहीं तो क्या डॉक्टर? मरने वाला मौत की मंजिल तरफ बढ़ रहा है, और वो जिंदगी की राह पर लौट रहा है। सब कुछ मेरी बहू की बदौलत है। पापा अच्छे हो रहे हैं, पापा अच्छे हो रहे हैं, तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन राधा, राधा से क्या कहूंगा, कैसे समझाऊंगा कि हाय राधा। ओ, लगता है सचमुच नाराज हूं मुझसे। नहीं तो, बहुत खुश हूं। खुश हो कि वादा करके आप पार्टी में आए। नहीं सॉरी राधा, दरअसल वो मैं किसी जरूरी केस में फंस गए थे, पुलिस वाले जो ठहरे, चोर और मुजरिमों की फिक्र होगी आपको, हमारी पर्दा कहा। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वो फरमाइश मैंने पूरी नहीं की, इसलिए ये तरीका आपने अपनाया? नहीं रहा, बल्कि मैं तो खुश हूं कि आज के दौर में भी तुम्हें अपनी मान मर्यादा रखा है। मैं उस बात से नाराज कैसे? शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है कि तुम्हारे किरदार की गहराई को जाने बगैर मैंने तुमसे ऐसी चीज की फरमाइश की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। राधा, मुझे फख्र है कि तुम मेरी बहन हो। सुधा दीदी, ये अचानक एस्ट्रोलॉजी की क्या सूझी आपको? शास्त्री जी को यहाँ पे बुलाने की क्या जरूरत थी? भाभी, दीदी को शास्त्री जी की भविष्यवाणी पर बहुत विश्वास है, इसलिए इन्होंने पहले से ही हमारी कुंडलियां उनके पास भेज दी। हाँ भाभी, बड़े ज्ञानी पंडित है वो, और उनका नाम भी बहुत है। मगर दीदी, इन सब बातों में मुझे ना ही दिलचस्पी है और ना ही विश्वास। अच्छा बाबा, मत करो विश्वास, लेकिन वो जो कुछ भी कहे चुपचाप सुनते रहना। हाँ भाभी, एक बात और, शास्त्री जी एकदम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, तो उनकी भाषा पर हंसना मत। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी, आइए बैठिए। धन्यवाद पंडित जी। ये मेरी होने वाली भाभी राधा है। नमस्कार। और वो मेरी छोटी बहन रूपाली। नमस्कार। पुत्री, आपके भावों से प्रतीत होता है कि आपको ज्योतिष शास्त्र पे तनिक भी विश्वास नहीं। ये तो आपने एकदम ठीक कहा। ज्योतिष शास्त्र एक बड़ी गहरी और गूढ़ विद्या है बेटी। गहन अध्ययन के बाद ही नक्षत्रों के गणित का ज्ञान प्राप्त होता है। हम तो केवल भाग्य बताते हैं, किंतु वो परमपिता परमेश्वर वही भाग्य विधाता है। उसी की अनुकृपा से ही हम कुछ कहने के लिए बन पाते हैं। पहले आप मेरे बारे में कुछ कहिए ना। तुम्हारी तुला राशि तो बहुत कुछ कह रही है बेटी, किंतु ग्रहों के आधार पर मैं तुम्हें एक बात अवश्य कहूंगा कि जिसे तुम अत्यधिक प्रेम करती हो, तन से मन से जिसे पूरी तरह पाना चाहती हो, वो प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा या नहीं, तुम्हारी चिंता का विषय यही है। दीदी, तुमने तो बताया नहीं ना। मैंने कुछ नहीं बताया। हम किसी के बताए या कहने पे क्यों ध्यान दें? हम तो वही कहेंगे जो नक्षत्रों का योग बताते। शास्त्री जी, मुझे जो पाना है वो तो मैं पाकर ही रहूंगी।
मेरी भाभी के बारे में कुछ बताइए। इसकी जीवन नैया तो एक बहुत बड़ी उलझन में फंसी हुई, किंतु इसका आत्मबल बहुत बलवान है और यह बड़ी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करने पर लगी हुई है। प्रेम, त्याग, समर्पण, जिस व्यक्ति की विशेषता हो वो व्यक्ति स्वयं कार्य सिद्ध होता है। और फिर इसकी तो हर कामना विजय श्री को प्राप्त करने के लिए ही है। शास्त्री जी, मेरी दीदी के लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? अरे मुझे क्या सुनना जानना है, तू अपने किशन के बारे में पूछना। किशन वो तो परम जीवी है, निष्पाप, निष्कलंक, निस्वार्थ, मधुर एवं सरल। कवि का हृदय तो होता ही विशाल है। धन, यश, कीर्ति, मान, किशन इन सभी से संपूर्ण संपन्न है। बस केवल एक बात इसके स्वभाव में निराली है, ये अपने मन की बात अपने मन में रखता है। कविता में तो अपने भाव व्यक्त कर लेता है, लेकिन प्रेम प्रदर्शन के लिए उनके पास शब्द ही नहीं होते। ठीक कह रहे हैं आप। किशन के विषय में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। उसकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है और लक्षण यह भी दर्शाते हैं कि जिसे वो सर्वाधिक प्रेम करता है, हो सकता है उससे सदा के लिए विमुख होकर वो सात समंदर पार बस जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो किशन जरूर बता देता। कोई कहे ना कहे, कोई बताए ना बताए, होनी अनहोनी दोनों काल चक्र के हाथ में। उसकी कुंडली में विदेश जाने का योग है, ये आज नहीं तो कल विदित हो जाएगा। आइए आइए। सर, ये आपका कुरियर है। हाँ, इस पे प्लीज साइन कर लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सर। बेटा ये चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी है बेटा? काका, लंदन की उर्दू अकादमी के रिसर्च डिपार्टमेंट से बुलावा आया। तो तुम लंदन जाओगे? जाऊंगा काका, जाना तो पड़ेगा। दो साल के लिए जाना पड़ेगा और फिर अगर मन लग गया तो वहीं बस जाऊंगा शायद। लेकिन बेटा, अपने लोगों से, अपने देश से दूर तुम रह पाओगे? रह लूंगा काका।